इंग्लैंड को 2019 का वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टॉक ने वनडे क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया है। भारत के खिलाफ रविवार रात वनडे सीरीज गंवाने के बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया है। दरअसल हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बनाए गए 31 वर्षीय स्टॉक डरहम के अपने होम ग्राउंड पर कल यानी कि 19 जुलाई को करियर का आखिरी एक दिवसीय मैच खेलेंगे। दरअसल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। बेन स्टॉक ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो मंगलवार को इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी वनडे खेलेंगे। बकॉल स्टॉक, ये फैसला मेरे लिए काफी कठिन रहा। मैंने अपने साथियों के साथ खेलने का हमेशा लुत्फ उठाया है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि इस फॉर्मेट में अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। इंग्लैंड की जर्सी इससे कम कुछ भी डिजर्व नहीं करती है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुझ पर वर्कलोड बढ़ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं किसी युवा की जगह खा रहा हूं, जो इंग्लैंड के लिए काफी कुछ योगदान कर सकता है। भले ही इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक माना जाता हो, 18वीं सदी में क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड ने ही खेला हो, लेकिन वो कभी विश्व कप नहीं जीत पाया था। वो बेन स्टॉक का कमाल ही था, जिसके बूते अंग्रेजों ने 2019 में अपनी ही धरती पर पहला वर्ल्ड कप उठाया। 104 मैचों के वनडे करियर में स्टॉक ने कई यादगार पारियां भी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक, 21 अर्धशतक निकले, जबकि अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से 74 विकेट भी हासिल किए। बेन स्टॉक अब सारा ध्यान टेस्ट क्रिकेट पर लगाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बेन स्टॉक के पास आज भले ही इंग्लैंड की नागरिकता हो और वो यहाँ से क्रिकेट खेलते हो, लेकिन उनका जन्म न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुआ था। उनका परिवार आज भी वहीं रहता है। इंग्लैंड के लिए 83 टेस्ट और 104 वनडे और 34 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले स्टॉक 12 साल की उम्र में इंग्लैंड आ गए थे। बेन स्टॉक ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपनी जिस फोटो को शेयर किया, उसमें वो वर्ल्ड कप को थामे दिख रहे हैं। उन्होंने विश्व कप 2019 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 84 रन की पारी खेलकर टीम को टाई तक ले गए थे। इसके बाद सुपर ओवर में वो बल्लेबाजी करने उतरे और 3 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच रहे, बल्कि पहली बार इंग्लैंड को वर्ल्ड कप भी दिलाया था। खैर दोस्तों, अगर आप भी बेन स्टॉक के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि बेन स्टॉक का ये फैसला लेना आपको सही लगता है या नहीं।